सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिस्टर ब्लॉगर्स यूट्यूब चैनल। तो आज है साथ में टीम सब्जा एंड माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो तीनों मौजूद है एट द सेम टाइम। ये लोग का टाइमिंग मैचेस नहीं होते क्योंकि बड़े बड़े बकरे तो लॉन्च कर रहे हैं ये लोग मगर साथ में नहीं दिख रहे हैं। तो ईशान भाई अस्सलाम वालेकुम। ईशान भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या रीज़न है कि मेन स्ट्रीम पर आप आ नहीं रहे और रहीम भाई भी नहीं आ रहे, मेन फॉरवर्ड बॉस को कर रहे हैं आजकल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसमें थोड़ा टाइम हम लोग का हो नहीं पा रहा है बराबर मिलेगा। जी जी ऑफिस वगैरह का टाइमिंग भी है और साथ ही साथ ये भी चलते रहता है अपना शॉप जो चल रहा है बकरे का। जी जी तो उसके लिए स्पेसिफिक हम लोग ने जो है हमारा एक बंदा है बॉस मतलब ऐसा रखेंगे वो साथ वाला ही है हमारे। जी रहीम भाई भी ऑफिस पे रहते हैं उनके जॉब में, मैं भी बिजी रहता हूँ, राजू भाई भी बिजी रहते हैं। हम लोग का मीटिंग टाइम रात का ही रहता है तो दिन भर में जो भी डीलिंग वगैरह रहती है वो सब अलहमदुल्ला अपने बॉस कर लेते हैं। ओके तो बॉस को देख लिए, आपको भी देख लिए, रहीम भाई को भी देख लिए बकरों के साथ में। राजू भाई को कब देखने मिलेगा कि राजू भाई ने बकरा लॉन्च कर रहे हैं? तो कौन सा बकरा ऐसा कुछ बताना चाहेंगे डोगे, कौन सा बकरा राजू भाई के हाथ से लॉन्च होगा? राजू भाई देखो बकरा तो ऐसा है पब्लिक ने देख चुकी है लेकिन इंशाल्लाह जो हमारे स्लो का वीडियो बनेगा वो राजू भाई और बॉस के हाथ से बनेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो आप लोग नहीं रहोगे उसके साथ में क्योंकि आपने उसको जो है आपका इतना वीडियो जो वायरल हुआ तो मेन तो लोग चाहेंगे कि आप ही रहे इसके साथ में। नहीं तो हम लोग भी रहेंगे ना इंशाल्लाह, लेकिन जो होते ना एक रियल ओनर्स जो है वो इन लोग ही है, राजू भाई का बॉस, ये लोग संभालते हैं, वो संभालते हैं पूरी खातिरदारी, उन लोग ही खिदमत करते हैं बकरे की पूरी। ओके पूरा वो लोग ही। तो मेंटेनेंस कितना जाता है उसका क्योंकि सेलिब्रिटी गोट है? मेंटेनेंस लेकिन फिर भी मेंटेनेंस क्या जाता है इसका मंथली, क्योंकि इतने बाल वगैरह को मेंटेन करना, सिंग वगैरह को मेंटेन करना, वो सब वही सब लाइक नॉर्मली हम लोग उसको ऑलिव ऑयल वगैरह सिंग पे लगाते हैं। ऑलिव ऑयल इतना महंगा तेल, जैतून का तेल सोचते हैं। जैसा भी राजू भाई है बोले दुबई से आया है कोई, उन्होंने जैतून के डब्बे लाके रख दिए तो वही उसके सिंग पे लगा रहे और मल्टी स्टार दे रहे बेसिकली, उसको मल्टी स्टार रेगुलर दे रहे। मल्टी स्टार से क्या होता है? उसकी बोन्स वगैरह का, बोन स्ट्रक्चर वगैरह का जो उसकी आप लेंथ देख रहे हो जी, वो रीजन ऑफ वो ये कि मल्टी स्टार कैल्शियम वगैरह जो उसको रेगुलर जा रहा है और अपार्ट फ्रॉम दैट उसको कंडीशनर वगैरह रोज हफ्ते में एक बार होता है। हफ्ते में एक बार तो ऐसा नहीं कि अभी आजकल जो वायरल चल रहा है तो उसके रिलेटेड बीमार वगैरह वो यूज टू हो गया है, अभी नहलाना उसको हफ्ते में हम लोग ने कर दिया है तो यूज टू हो गया, हर 7-8 दिन में हम लोग उसको नहला ही देते। जी 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 तो यूज टू है। जीशान भाई जैसे अभी कॉन्टेस्ट रन हुआ था आप माशाल्लाह विनर रह चुके हैं तो मैं तीनों से पूछना चाहूंगा कि कौन कौन से बकरे आपके फेवरेट रह चुके हैं कॉन्टेस्ट में अपार्ट फ्रॉम योर गोट? हमारा गोट तो अच्छा ही था हमारे लिए वो तो, बट ऑब्वियसली खुद का बकरा तो अच्छा है। हम जीते भी अगर 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 आप नहीं जीते, अगर आप नहीं जीतते कॉन्टेस्ट तो कौन विनर होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू यू अगर आप नहीं होते तो एज अ वोटर? राजू भाई से भी मैं आउटपुट लेना चाहूंगा। राजू भाई जो आपने बकरे दो सोल्ड किए थे अज्जू मुज्जू जो रहीम भाई के थे तो वो हम रहीम भाई के नहीं थे, वो पूरी टीम के थे, राजू भाई के भी थे, निशान भाई की भी इक्वली थे। भाई एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे बॉस हो गए हम लोग अगर बिजी रहते ना तो परचेजिंग कोई भी कर लेता है लेकिन कंसर्न करते सब एक दूसरे को हम लोग कि क्या है भाई ये चलेगा नहीं चलेगा, ऑन द स्पॉट जाके अगर कोई एक जा रहा है ना हम लोग सब एक दूसरे से कंसर्न कर लेते कि ये चीज कैसी रहेगी भाई। अच्छा वैसा रहता है क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, जब कोई फ्री रहता है वो टाइम पे पहुंच जाता है परचेजिंग के लिए। और रही बात अज्जू मुज्जू की तो रही मैंने पहले ही वीडियो बता दिया था, पहले ही हम लोग को पसंद आ गया था वो चीज, वैसी लिंक जोड़ गया था। और रही बात कंपटीशन की तो मेरा फेवरेट था यूएस गोट फार्म का वो सरताज, मेरे को बहुत पसंद था वो। ओके यूएस गोट। जीशान भाई आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जब स्टार्टिंग में आपने जो बकरा ईद के बाद से जो बजट लेकर आए थे आपने, एक लोगों को कन्वीनियंट होता था कि वो बकरे आप इजीली मतलब खरीद सकते थे, अभी हाई अचानक में हाई बजट रेंज में जाने की वजह क्या है? भाई वो जो थी जब भी जो अपन बैंटम में आकर जो भी चीज ला रहे थे वो बजट था अपना पॉली को देने वाला रेंज जी 8 से 8.5-9 हज़ार रुपये में हम लोग जो है बकरा सोल्ड आउट कर देते थे जी। आस्किंग प्राइस तो देखो भाई किसका भी रहता है, 12 हज़ार रुपये में मांग रहा तो कस्टमर ऐसा नहीं है कि मेरे को पूरा 12 या 11 हज़ार दे दे जी, नेगोशिएट करके तो मैं उसको 9.5-10 में दूंगा ही ना, क्योंकि मैं जब अगर 8 हज़ार रुपये लगा रहा हूँ 500 रुपये मेरा ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है तो
एटलीस्ट 1000 रुपए तो मेरा हक बनता है इसपे, थोड़ा प्रॉफिट है तो इंशाल्लाह वही रेंज में चल रहे हैं। खाली थोड़ा कैसा हो गया है जानवर जो है, जो पहले हिसाब में आते थे अभी नहीं आ रहे, थोड़ा तकलीफ नहीं हो रही है, बकरा कोई बीमारी में मुतला नहीं हो रहा है। अभी ऑलमोस्ट अपने 2-3 बकरे जो प्रीवियस भी थे सब माशाल्लाह जितने भी थे उन लोग हम लोग ने वैक्सीनेशन वगैरह करवा के दिए, वैक्सीनेशन वगैरह जो भी था हमने करवा के दिए, लेकिन फिर भी हम लोग ने वो चार्जेस उनसे नहीं लिए। जो हमारा प्रॉफिट अर्न करना भी बनता है हम लोग वो भी नहीं लेते, जैसे हम लोग ने वैक्सीनेशन का पैसा नहीं लिया वो डिडक्ट हो गया, उनको तो प्रॉफिट हो गया। तो ये रेंज वही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग ने वही रेंज चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, हाई क्वालिटी का बकरा है तुम प्रीवियस रेंज में ही बकरा मांगोगे तो वैसा नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे पास नहीं जी जी कहीं पे भी। अभी कोटा भी आप देख सकते हैं, नॉर्मल क्वालिटी एक कोटा आती है और एक माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी देखे है लोगों ने अभी, लेकिन दोनों दो दांत पे रहेंगे तुम बोलेंगे वो क्वालिटी का बकरा भी हाई क्वालिटी के रेंज में जो है मिलना चाहिए, तो वैसा नहीं होता। लास्ट वीक आप जब देवनार जाके कवर किए थे बकरे, तो जो न्यास के बकरे थे वो काफी महंगे आ रहे थे, 17,000-18,000। देवनार के बकरे आजकल महंगे पड़ रहे हैं, महंगे पड़ रहे हैं, तो 800-900 रुपए किलो जब वो बकरे हो रहे हैं, तो जब हम बकरे कुछ दे रहे अच्छे बकरे तो लोगों को फिर भी वही होता है कि नहीं नहीं ये रेट कम करो। ओके, तो आजकल मैं ये आप तीनों से पूछना चाहूंगा कि जैसे आप लोग भी बकरे ईद के टाइम पे लॉन्च करते हो, तो आजकल क्या हो रहा है कि कंट्रोवर्सी ज्यादा हो रही है, मिल के काम करना कम हो रहा है, बट धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, लोग एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर ब्लॉगर को छोड़ करके दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे आप लोग के वीडियो कब देखने मिलेंगे लोगों को? इंशाल्लाह जल्दी हम लोग आसिफ भाई के इस पे तो हमारा वीडियो है अल्हम्दुलिल्लाह, दानिश भाई का भी बना था जी। हम लोग का ये मकसद नहीं है भाई मतलब किसी के चैनल पे हम लोग प्रमोट हो रहे हैं जैसा कुछ भी नहीं है, कोई भी यूट्यूबर आएगा अल्हम्दुलिल्लाह सबको वेलकम है हमारे पास जी जी। हमारे यहाँ पे कोई ये रीजन मेरा ये पूछने का है क्योंकि हम लोग तो साथ में रहते हैं तो वीडियोस हमारी मर्जी से बन जाते हैं जब मूड बनता है, लेकिन दूसरे यूट्यूबर्स का भी एक हक बनता है कि आपकी लॉन्चिंग हो रही है। नहीं नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, जैसे मेरे कॉन्टेक्ट में अभी अपने आसिफ भाई है, जैसा आप है, फिर सुफियान भाई है, सुफियान भाई तो हम लोग दूसरे से भी करवा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। मास भाई है, और भी काफी यूट्यूबर्स हैं, फिर अपने एनिमल लवर क्या नाम है अनस भाई है, फिर उसके बाद में अपने अंधेरी वाले साहिल भाई है जिन्होंने अभी नया यूट्यूब चैनल चालू किया जो देवनार के वीडियोस बना रहे, माशाल्लाह बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं उनके चैनल, तो सबको वेलकम है ना, ऐसा पर्टिकुलर कोई यूट्यूब नहीं है भाई। देखो आप अभी भी हम लोग बोल रहे अगर इंस्टाग्राम पे आप चीज देखते हो ये बकरा है हमारे पास, तो आप हमारे से टाइम फिक्स कर लो, आप आ जाओ विक्रोली, विक्रोली हमारा लोकेशन है ग्रुप नंबर 2 टागोर नगर विक्रोली, आप आ जाओ यहाँ पे एड्रेस ले लो, या तो फिर आप लोकेशन भी डाल दोगे गूगल मैप पे सब्जा एक्सोटिक्स बाय जीशान, आप लोकेशन पे आ जाओगे okay. आ जाओ वीडियो बना लो, हमारे यहाँ पे कोई इशू नहीं है, सब यूट्यूबर्स को मिल जाएगा। ओके, तो अभी जो मेन मोटिव के लिए हम लोग वीडियो बना रहे थे अनबॉक्सिंग के लिए, तो आप अनबॉक्सिंग स्टार्ट कीजिए और लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या आपको प्रेजेंट मिला है एज अ विनर। थ्री चीयर्स फॉर निशान भाई, नीचे तुम तो एक मैसेज बोलना चाहेंगे क्योंकि कॉन्टेस्ट काफी रन हुए लेकिन सक्सेसफुली ये कॉन्टेस्ट जो है पास आउट हो गया, तो एक मैसेज कॉन्टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सभी चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉन्टेस्ट भी अच्छा था हमारे वो जोन वाले उन्होंने भी किया था, कॉन्टेस्ट भी अच्छा था, बहुत से लोग करते हैं।
पार्टिसिपेट करना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है उसमें, तो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, तो एक मैसेज देना चाहेंगे आप कुछ आपकी तरफ से 2021 के लिए, क्या मैसेज है कि लोगों को क्या देखने मिलेगा? ये क्वेश्चन करके मैं एंड करूंगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोग से बार बार क्यों पूछता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े बकरे माशाल्लाह लॉन्च करने वाले हो। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया हूँ, पोस्ट से नहीं, लोगों को कुछ कुछ चीजें देखने में मजा आना चाहिए ना। तो लिटरली वो सब वीडियो डाला हूँ, जो दो बड़े बकरे हैं डी गोल्ड फार्म पे, उनका वीडियो डाला हूँ, लाइव आईजीटीवी पे है वो मेरे। ओके, और झलक देखने मिल सकती है। और ऋशान भाई कांचा 2 या जैक डेनियल 2 जी, तो ऐसा कुछ प्लान हाल फिलहाल में इंशाल्लाह। ठीक, स्पेशल थैंक्स टू सना पठान, हमारी बकरा को नाइल भाई, मेरी टीम रहीम भाई, आफ्ताब भाई, अदनान, अफान, सबको स्पेशल थैंक्स। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह।